पोको X3 के बारे में बहुत ही तगड़ी वाली लीक आई है Realme 8 का इल्यूमिनेटिंग बैक लीक हुआ है और भी बहुत exciting एक्साइटिंग टेक्न्यूज के, इस TTS के टीटेस का मतलब ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही कंसाइस मैं आप लोगों को टेक्न्यूज देता हूँ टेक न्यूज उससे पहले गई uh, अगर किसी को टाइम हो तो भाई कमेंट में डाल दो टाइम टाइम्स मैं पिन कर दूंगा बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी अदर कैटेगरी की टेक्नोलॉजी तो उसमें सबसे पहली न्यूज तो ये है कि भाई जो गूगल है वो भी पिक्सल फोन्स की मैनुफेक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करने वाला है स्पेशली जो पिक्सल फाइव होने वाला है पिक्सल फाइव इंडिया में मैनुफैक्चर होगा दैट मीन्स इंडिया में सस्ते में बिकेगा लच्सिक क्या करता है भाई उसके बाद एक बात करूँ तो वन प्लस नॉड के अंदर है ना गाइज एंड्रॉयड इलेवन का अपडेट आया था आया फिर वन प्लस ने बोलते भाई रुक जाओ पूरा अपडेट पॉज कर दिया बोले बहुत सारे बग्स हैं इसके वजह से वापस से उन लोग जैसा शामी के साथ में हुआ था सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ इन लोग ने पूरा अपडेट पॉज कर दिया है लेट्स सी क्या होता है बहुत सारे बग्स आ रहे थे अच्छा हुआ किसी का फोन ब्रिक वगैरह तो नहीं हुआ ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा तो अगर आपके पास वन प्लस नॉट है तो थोड़ा रुक जाओ अभी अपडेट मत करो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कहीं इस गूगल क्रोम जो ब्राउजर है उसके अंदर एक लिंक प्रीव्यू का नया ऑप्शन आ रहा है एंड्रॉइड में लाइक अगर आपके पास कोई लिंक है कोई भी आप कुछ भी ब्राउज करो उसके अंदर कोई लिंक दिखी तो उस पर अगर आप टैप एंड होल्ड करके रखोगे ना तो एक छोटे से ब्राउजर में आपको दिखेगा कि लाइक कौन सा वो एक्चुअल में ब्राउजर में है क्या सो तो, या अच्छा है ये चीज़ उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हुआ वे जो है उसके जो 5G जी एक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ करना इंडिया में हो सकता है बैन जी हाँ यूएस में तो हो ही गया भाई बहुत सारी जगह पे ये चीज़ हो रहा है बैन अभी शायद इंडिया में भी बैन हो जाए बट भाई बहुत तगड़ा मतलब हुआ को इंडिया में से बैन कर देंगे तो फिर क्या होगा भाई हाँ लेट्स ही उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गूगल पे पे पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट आने वाले हैं ऐसा कुछ गूगल पे कह रहा है बोल रहा है भाई एक टॉगल देंगे हम आपको अगर आप टॉगल ऑन कर दोगे तो पर्सनलाइज्ड ऐड आएंगे अगर मतलब उसको ऑफ करना पड़ेगा तो पर्सनलाइज्ड ऐड नहीं आएंगे एड्स काइंड ऑफ बोले थोड़ा बहुत सजेशन वगैरह एड्स ही है काइंड ऑफ ऐसा समझ लो सो so, ये थी मेन मेन अदर कैटेगरी की न्यूज अभी हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो भाई यहां पर बहुत सारी न्यूज है सो so, एक एक करके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो एम आई का जो फुल रिव्यू है वो मैंने लाइव कर दिया तो उसकी आई कार्ड में लिंक है डेफिनेटली देखो भाई बहुत तगड़ी वीडियो है उसके बाद एक बात करूँ तो ओप्पो की फाइनड एक्स सीरीज जो है वो लॉन्च हो गई भाई बहुत ही ज्यादा महंगी है लेकिन फोन काफी तगड़े हैं डिजाइन वाइज हो गया स्पेक्स

पता नहीं भाई 19 तारीख ज्यादा टाइम तो है नहीं तो स्ट्रेट हो रही है बाकी उसके बाद अगर बताऊं तो भाई रियलमी 8 का इल्यूमिनेटिंग बैक वाला एक पिक आया है मतलब बोल रहे है कि भाई रियल मी के अंदर इल्यूमिनेटिंग बैक होगा लाइक रेडियम मटेरियल होगा ना लाइक रात में उस पर उजाला मारो तो चमकता है या फिर ऐसा वो लाइट एब्जॉर्ब करके फिर वापस रात में चमकता है ऐसे टाइप का हीट अब्जॉर्ब करके फिर चमकता है ऐसा कुछ होगा पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं है इस कुछ भी हो सकता है बेसिकली पैसिव होगा एनर्जी नहीं चाहिए रहेगी उसको आई थिंक सो या फिर खाली हीट एनर्जी जो आप रब वगैरह करोगे या तो फिर गर्म करोगे उसको तो शायद उससे जले पता नहीं गाइस कुछ भी हो सकता है लेट्स सी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है रियल मी को लॉन्च होने को ऐसा सुनने में आ रहा है कि पंद्रह तारीख को ही कुछ होने वाला है शायद से पंद्रह तारीख को लोग बता देवे कब लॉन्च होगा या फिर पंद्रह तारीख को लॉन्च भी कर सकते हैं भाई बाकी रियलमी की बात करूँ तो रियलमी का एक नया फोन काइंड ऑफ निकलने वाला है जिसके अंदर कर्फ डिस्प्ले होगा जी हाँ कर्व डिस्प्ले वाला रियलमी फोन भाई रियल म फ्लैशि में भी घुस रहा है आई मीन फ्लैकशिप तो बना ही रहा था इतने दिन से वो अभी शायद सबसे सब प्योर फ्लैकशिप फोन में घुस रहा है रियलमी वाला आई थिंक सो एम नॉट श्योर बट लेट्स सी उसके बाद एक बात करूँ तो जो रेडमी का गेमिंग का फोन था भाई उसके बारे में थोड़ी बहुत टीज आने लगी है लाइक रेडमी मशीन किंग ऐसा कुछ करके टीज कर रहे बहुत तगड़ा पावरफुल फ़ोन होने वाला है लेट्सिंग उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हुआवे हुआ का हुआवे का P50 फिफ़्टी प्रो लॉन्च होने वाला है अब उसकी थोड़ी बहुत लीक्स आ रही है भाई इसके अंदर इतने बड़े बड़े तो कैमराज हैं मतलब बड़े सेंसर वाला कैमरा होगा लाइक जैसा आपका वन इंच का सेंसर होता है लाइक आर एक्स हंड्रेड सीरीज़ के सोनी में वैसे टाइप का कैमरा तो शायद अगर बना दिया तो भाई मज़ा आ जाएगा बट सी लेकिन उतने से जगह में वो लेंस कैसे फिट करेगा वो सबसे बड़ी बात है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है बट लेत्थसी सी इज़ क्या करता है हुआ uh, है वाला उस, उसके बाद अगर बात करूँ तो आइको का नियो फाइव भाई ये बहुत तगड़ा फोन लग रहा है मतलब इसका अंदर सैम ड्रैगन एट सेवेंटी है सुपर एमर्ड वन ट्वेंटी हर्ज डिस्प्ले होगी और ऑफकोर्स प्राइसिंग भी कम होगा लेट्स सी की उसके बाद अगर बात करूँ तो आईकू सेवन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है जी हाँ बहुत ही ज़्यादा जल्द आईकू सेवन इंडिया में लॉन्च हो सकता है सो स्टेटी ऊन रही है बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वन प्लस की जो नाइन सीरीज है उसमें वन प्लस नाइन ई जो छोटा वाला ई e या फिर आर और जो वन प्लस नाइन प्रो है ये दो फ़ोन जो है वो बी आई एस पे लिस्ट हो चुके हैं अभी जो वन प्लस नाइन है उसका कुछ पता नहीं है बट लेट्स सी कही हो ही जाएगा एक दो दिन में आ ही रहे हैं तीनों फ़ोन इंडिया में लेट्स सी तो उसके बाद अगर बड़ी ख़बर की बात करूँ तो पोको एक्स थ्री प्रो भाई इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें निकल के आ रही कि लाइक ये जो फ़ोन है ये इक्कीस हज़ार रुपये के नीचे हो सकता है लाइक जो वो लेटर दिए थे उन तो लोगों ने पोको वालों ने उसमें लिखा था कि ट्वेंटी वन थाउजेंड के आसपास अभी कोई दमदार फ़ोन नहीं आया है जो फ्लैगशिप फ़ोन को किल करने वाला स्पेक्स लेके आवे तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में पोको एक्स थ्री प्रो आ जाए समझ रहे हो और इक्कीस हज़ार के नीचे के प्राइस हो फ्लैगशिप का प्रोसेसर हो कुछ भी हो सकता है भाई लेट्स सी गई लेट्स सी क्या करता है शाओमी वाला और पोको वाला बेसिकली बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी ए फिफ्टी टू एज वेल एज ए सेवेंटी टू की प्राइसिंग लीक हुई है भाई प्राइसिंग बहुत ही जबरदस्त है स्पेशली ए फिफ्टी टू की अफकोर्स देखो आपको तो स्पेसिफिकेशन पता ही होगा सेवन फिफ्टी जी प्रोसेसर है जी हाँ फाइव जी वाला और वन ट्वेंटी एच की सुपर है डिस्प्ले है और प्राइसिंग है छब्बीस हज़ार रुपये भाई दैट इज क्रेजी छब्बीस हज़ार पाँच सौ के आसपास की प्राइसिंग लीक हुई है अगर ये प्राइस पे आता तो मज़ा आ जाएगा लिटरली बुरा और ए सेवेंटी टू की प्राइसिंग कुछ थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास लीक हुई है भाई बहुत तगड़ी प्राइजिंग है भाई लेट्स ही क्या करता है सैमसंग वाला सो so, ये थी मेन मेन स्मार्टफोन की न्यूज अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़े भाई तो ज्यादा न्यूज तो है नहीं सबसे पहले न्यूज तो ये है रियलमी वॉच टू प्रो लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द सो सस्टेटी है उसके लिए बाकी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ओप्पो अपना खुद का टैबलेट लॉन्च करने वाला है जी हाँ ओपो का भी टैबलेट आएगा भाई सब अब टैबलेट वगैरह में देख रहे ध्यान दे रहे जब से वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है एंड स्टडी फ्रॉम होम चालू हुआ है तो लोग थोड़ा टैबलेट एंड लैपटॉप्स में ध्यान देने लगे हैं सो ये थी मेन मेन गैजेट्स की न्यूज अभी लोग पीसी वर्ड में बढ़े तो यहां पर ज्यादा तो है नहीं सबसे पहले तो कि जो RX 5700X है लाइक एम डी का हंड्रेड एक्स है एनवीडिया में कुछ तो भी इशू है लाइक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कि अगर आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा लो एंड है थोड़ा कमजोर है तो भाई वो ना अगर मैं आर एक्स फाइव डालूंगा ना तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जितना अच्छा एनवीडिया का आर टी परफॉर्म करता है उससे भी ज्यादा अच्छा ये परफॉर्म करेगा लाइक वो सीपी यू के बॉटल को हटा देगा सी 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 पी यू को इतना ज्यादा अच्छे से फील नहीं होने देगा गेम में वे है इसके अंदर सीपी यू का बटल आपको डेफिनेटली फील होगा जो एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर भाई कुछ भी हो रहा है पीसी वर्ल्ड के अंदर भी उसके बाद बोलूँ तो भाई आर टी है ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई मिड अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा लेट्स सी गाइज लेट्स होप फॉर द बेस्ट बाकी इतनी ही न्यूज थी आज के डेट में आई होप वीडियो आपको पसंद है लाइक दो शेयर दो चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे आइकॉन को भी तरीके बाय